नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। तेलंगाना चुनाव आयोग ने डीजीपी अंजनी कुमार का सस्पेंशन रद्द किया। राजस्थान बीजेपी विधायक कालू राम मेघावाल का दावा, वसुंधरा राजे ही बनेंगे सीएम। पंजाब तीर्थ यात्रा योजना को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। कर्नाटक फिर उठी पंचमशाली लिंगायत कोटा की मांग, कांग्रेस समुदाय का अल्टीमेटम। आपको वोट दिया था भैया जब शिवराज से मिलकर फफक फफक कर रोने लगे लाडली बहनें, भावुक हुए पूर्व सीएम। राजस्थान बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा का दावा, चौंकाने वाला होगा सीएम के नाम का फैसला। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी कैंपस पर कई आत्मघाती हमले। मिजोरम विधानसभा का सत्र आज से होगा शुरू। राजस्थान विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा से मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा। केरल राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 17 ESFI वर्कर्स के खिलाफ दर्ज केस। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने किया सुसाइड अटैक, सुरक्षा बलों के 3 जवानों की मौत। रांची नाबालिग को अगवा कर किया गया गैंगरेप, 8 लोगों पर आरोप। दिल्ली NCR का AQI पहुंचा गंभीर कैटेगरी में, विजिबिलिटी भी हुई कम। यमन हुती विद्रोहियों ने क्रूज मिसाइल से नॉर्वे के जहाज पर किया अटैक। इजराइल के लेबनान में सफेद फास्फोरस इस्तेमाल करने की रिपोर्ट पर अमेरिका चिंतित। कांगो में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद कई घर ढहे, 14 की मौत। इस्लामाबाद स्लीपर मामले में इमरान खान, पूर्व मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर आज तय किए जाएंगे आरोप। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा T20 मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन वैश्विक भागीदार की मेजबानी करेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों खरीदारों के मुद्दों को सुलझाने के लिए आज बुलाई बैठक। फाइबर नेट घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में लगी आग, कोई हताहत नहीं। मऊ अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण के मामले में ACJM कोर्ट के आज आरोप तय करेगी। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी 12 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में, मामले की सुनवाई आज। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।